हेलो दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में आपको बताया है और काफ़ी सारे सक्सेस स्टार्टअप्स के बारे में भी बताया है जो अपने बढ़िया यूनिक और इनोवेशन आइडिया के साथ सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन इनके बीच कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स रहे जो फेल हुए। दोस्तों, डाटा के अनुसार 90% स्टार्टअप इंडिया में अपने 5 सालों के बीच में ही फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा जो साल 2020 आते आते अपने किन्हीं कारणों की वजह से फेल हो गए थे। अब इनके फेल होने का रीजन क्या था, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गर्गायन और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पहले स्टार्टअप का नाम आता है डॉकटॉक। अब डॉकटॉक स्टार्टअप सन 2019 में ही बंद हो गया था। डॉकटॉक एक एप्लीकेशन था जो पेशेंट और डॉक्टर को आपस में कनेक्ट करता था। यानी कि डॉकटॉक एप्लीकेशन के जरिए आप डॉक्टर से डिटेल में प्रिस्क्रिप्शन ले सकते थे। इस स्टार्टअप को कृष्ण चैतन्य अलूरु, अक्षत गोयंका और वामसी चमकुरा ने सन 2016 में शुरू किया था। यह एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप था। इसके ऐप की हेल्प से पेशेंट को घर बैठे ही काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं था कि इनको कोई फंडिंग की प्रॉब्लम आई। इन्होंने तकरीबन $5 मिलियन की फंडिंग भी मैट्रिक्स पार्टनर, खोसला वेंचर, अल्टर कैपिटल और भी काफी सारी एंजल इन्वेस्टर से रेस कर ली थी। अब क्या हुआ कि सन 2018 में इनके एक पार्टनर थे अक्षत गोयंका, उन्होंने अपने इस स्टार्टअप से रिजाइन ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि डॉकटॉक ने पेवर्ट करना चाहा और उनका ये पेवर्ट करना फेल हो गया। अब दोस्तों, पेवर्ट का मतलब ये होता है जब आपका शुरुआती बिजनेस मॉडल सक्सेस नहीं हो पाता है और आप किसी दूसरी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट होते हैं, उस कंडीशन को पेवर्ट कहा जाता है। अब इनके पास कोई अच्छा प्लान बी नहीं था और उनका ये पेवर्ट करना फेल हो जाता है। और इसको देखते हुए इन्वेस्टर्स ने भी उनको आगे सपोर्ट नहीं किया, जिसका रिजल्ट था कि जून 2019 में डॉकटॉक को अपना ये पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर स्टार्टअप का नाम आता है रश। यह भी एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन था जिसका काम था कि डेली यूज में आने वाली चीजें जैसे कि फूड, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि कैश को डिलीवर करना। सन 2012 में शुरू हुए इस स्टार्टअप के फाउंडर भारत अहिरवार थे। रश के स्टार्टअप को बंद करने का रीजन ये पता चलता है कि उनको फंडिंग की काफी कमी पड़ गई थी। फंडिंग की कमी होने के कारण वे अपने यूजर्स को फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे। और वहीं रश के सामने डुंजो स्टार्टअप उनके कंपटीशन में था। डुंजो को गूगल की तरफ से फंडिंग मिली थी, जो भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप बना था जिसको गूगल की तरफ से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला। अब जब रश के पास फंडिंग की कमी आने लगी तो वे अपना पर्सनल फंड यूज करने लगा, जिसके कारण वे यूजर्स को काफी लिमिटेड सर्विसेज दे पा रहा था। जिस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे उनके इस स्टार्टअप से बैक ऑफ होने लगे और इस तरह 7 साल पुराने स्टार्टअप ने अपना पूरा ऑपरेशन 3 जून 2019 को बंद कर दिया। रश के फाउंडर भारत अहिरवार ने अपना स्टार्टअप को शटडाउन करने के दौरान कहा था कि एक सिंगल फाउंडर के तौर पर मुझे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सही टीम और फंडिंग का ना होना भी इस स्टार्टअप का फेल होने का एक कारण रहा। और सबसे अच्छी बात जो रश ने करी वह यह कि रश के फाउंडर भारत जी बोलते हैं, यहाँ पर यूजर्स का डाटा सिक्योर रहेगा और हम इसे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। अब दोस्तों, एक दूध वाला भी एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप था। जैसे कि नाम से आपको अंदाज हो गया होगा कि ये दूध की डिलीवरी का काम करता होगा। बेंगलोर बेस्ड इस स्टार्टअप को आकाश अग्रवाल और इब्राहिम अकबरी ने सन 2015 से शुरू किया था। इनका लगभग 30,000 लीटर पर डे का दूध का कंजप्शन था। वे दूध तो डिलीवर करते ही थे, साथ ही इसके साथ वे ग्रोसरी भी डिलीवरी का काम करते थे। ये लोग सुबह 7 बजे से पहले डिलीवरी दे देते थे और ये खास जाना जाता था अपने फ्री होम डिलीवरी के लिए और MRP से कम प्राइस के लिए। अब इनके फेल होने का कारण ये सामने निकल के आया कि इनके पास एक्सपेंसेस ज्यादा होने लगे थे इनके रेवेन्यू के मुकाबले, और इनके पास फंडिंग भी कम थी, जिसकी वजह से वे अपने कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे। और इनके अपोजिट बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे जिनके पास एक बढ़िया फंडिंग भी थी, और यहाँ पर इनका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था। और क्या था कि इन्होंने अपने स्टार्टअप में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हायरिंग कर ली, और फिर क्या था कि डिस्काउंट ना देना, फंडिंग ना होना, इतना कॉम्पिटिशन हाई होना, इतनी सारी कंडीशंस का एक साथ होने के बाद वे उनको दूध वालों को अपना ये स्टार्टअप सन 2019 में बंद करना पड़ा। अब दोस्तों, वूपलर एक रीसेलिंग स्टार्टअप था जिसकी शुरुआत 4 लोगों ने, अर्जुन जकारिया, सोमेन सरकार, अंकित सब्रवाल और प्रवीण ने सन 2013 से की थी। अब ये स्टार्टअप एक बेंगलोर बेस्ड फैशन और सोशल कॉमर्स का स्टार्टअप था। और दोस्तों, ये स्टार्टअप एक समय पे मीशो को भी काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहा था। जैसा कि आपको भी पता ही होगा कि मीशो भी एक रीसेलिंग एप्लीकेशन है
जिसके जरिए आप प्रोडक्ट को सेल करके घर बैठे अर्न कर सकते हैं। खैर, जिन चार लोगों ने इस स्टार्टअप की शुरुआत करी थी उन चारों में एक बात कॉमन थी कि वे चारों ही मैकफी सिक्योरिटी कंपनी के एम्प्लॉयज थे। अब वूपलर के फेल होने का रीज़न ये सामने निकल के आया कि वे लोग अपने व्यू पर पैसा देने लगे थे। जैसे कि आप कोई लिंक शेयर करेंगे और उस लिंक को 100 लोगों ने देखा तो वे उसका तकरीबन 10 रुपये देने लगे थे। भाई सेल हो या ना हो, वे व्यू का पैसा तो देते ही थे और इस स्ट्रेटेजी ने उनको काफ़ी सारा लॉस दिया। अब दोस्तों, इनका दूसरा रीज़न फेल होने का ये निकल के आया कि इन्होंने एक बहुत अजीब सी स्ट्रेटेजी करी कि ये ऑर्डर जब इनका हो जाता था, ये कस्टमर को डायरेक्ट कॉल करके पूछते थे कि भाई ये ऑर्डर आप ही का है, आप इस ऑर्डर को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या। तो ऐसी बार काफ़ी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कस्टमर उस समय पर अपना ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ से ये लोग, उनके पास ऑर्डर ना आना और व्यूज़ का भी ये पैसा दे रहे थे, यहाँ से उनको काफ़ी सारे लॉस होने लगे और लॉसेस के चक्कर में उनको फिर अपना ये स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। अब दोस्तों, स्टार्टअप का नाम आता है कंटेंट मार्ट स्टार्टअप। अब दोस्तों, कंटेंट मार्ट स्टार्टअप के जरिए आप फ्रीलांसर कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटर वे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर और वेबसाइट पर ब्लॉग लिखते हैं। गुड़गांव बेस्ड इस स्टार्टअप की शुरुआत सन 2015 में एंटन रुबलेवस्की ने की थी। कंटेंट मार्ट स्टार्टअप जब शुरू हुआ था तो इसके साथ काफ़ी सारे फ्रीलांसर राइटर्स इनके साथ जुड़ गए थे। यह भी एक मतलब कि बहुत अच्छा स्टार्टअप था, लेकिन इसके भी फेल होने का कारण ये निकल के आया कि इसका बिजनेस मॉडल प्रॉपर ना होना। अब भाई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं था तो इनको फंडिंग भी नहीं मिल पा रही थी, तो इस तरह उनको भी अपना 22 अगस्त 2018 को ये स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे स्टार्टअप की हमारे भारत देश में काफ़ी ज़रूरत है ताकि लोग फ्रीलांसिंग से घर बैठे अपनी स्किल का यूज़ करके पैसा कमा सकें। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। स्मैश, दोस्तों स्मैश स्टार्टअप सन 2020 का सबसे बड़ा स्टार्टअप रहा जो फेल हुआ। अब स्मैश ऐसा स्टार्टअप था जिसमें आप काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स ग्रुप के साथ खेल सकते थे, जैसे कि मोटर रेसिंग, बाइक रेसिंग, बॉलिंग। खासतौर पर ये स्टार्टअप ग्रुप्स के लिए एक बेहद ही एंटरटेनमेंट से भरा हुआ स्टार्टअप था। ये तो शुरू सन 2012 में ही हो गया था और आपको पता ही होगा कि इस स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर हमारे सचिन तेंदुलकर ही हैं। अब क्या था कि इनके पास, ऐसा नहीं था कि इनके पास फंडिंग की कमी आई, इनके पास फंडिंग भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था कि पिछले साल कोविड की आने की वजह से काफ़ी सारे कॉमर्शियल प्लेसेस बंद हो गए और धीरे धीरे अगर लॉकडाउन खुला भी तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ लोग बाग कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण कॉमर्शियल इंडस्ट्री को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो इसी वजह से वे भी अपनी फंडिंग जनरेट नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको अपना ये स्टार्टअप पूरा बिजनेस सन 2020 में बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 6 स्टार्टअप के बारे में जाना जो अपने अपने रीज़न की वजह से फेल हुए। किसी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं था, किसी का पेवर्ट करना फेल हो गया, किसी के पास या तो फंडिंग की प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अब दोस्तों, हम इन स्टार्टअप के फेल होने के पीछे कुछ लर्निंग भी ले सकते हैं। पहली ये कि कभी भी आप पेवर्ट करना चाहें तो आपके पास प्लान बी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि आपके पास प्लान बी स्ट्रांग नहीं है तो आपको काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखिए। प्रोडक्ट की आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल कस्टमर लाइफ टाइम के लिए बन सकता है। और दोस्तों, तीसरी लर्निंग हम ऐसे ले सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी बंद हुए जिनके पास फंडिंग रेज नहीं हो पाई। अब भाई फंडिंग नहीं रहेगी तो आप अपने स्टार्टअप या बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो आप एक बढ़िया बिजनेस मॉडल रखें ताकि इन्वेस्टर्स को भी लगे कि आपके स्टार्टअप या आपके बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नहीं तो स्टार्टअप खुद में ही अपना एक प्रॉफिटेबल रहे। बिजनेस में क्या है कि अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव तो बिजनेस में चलते ही रहते हैं। अब जब भी आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आए तो आपके पास बैकअप में इन्वेस्टर्स रहें, नहीं तो कंपनी खुद ही प्रॉफिटेबल रहे ताकि वे ऐसी सिचुएशन से ओवरकम कर पाए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।